वेल हेलो सो फ्रेंड, वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो और यूएई ऑफिशियल न्यूज़ उर्दू चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो दुबई ट्रैवल अपडेट्स से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप सभी लोग जो है दुबई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पर, वर्क परमिट वीज़ा पर या फिर जो किसी भी वीज़ा पर अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो इन अपडेट्स का आप सभी लोगों को लाजमी से मालूम होना चाहिए। अगर आपको इन अपडेट्स के बारे में नहीं मालूम तो आप जो है दुबई एयरपोर्ट पर आकर जो बहुत भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट जो है वो यहाँ पर जो है लगेज को लेकर है, जो कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया या फिर जब बांग्लादेश से जो है दुबई जाते वक्त जो अपने साथ बहुत सारा सामान ले जाते हैं और जिसकी वजह से उनको ओवरवेट बहुत सारा हो जाता है और उनको जब वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पर जाने के बाद जो जुर्माना होता है या फिर आने वक्त जुर्माना होता है या फिर जो जाते वक्त जुर्माना होता है। दोस्तों आप सिर्फ क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो टिकट के ऊपर आपके मेंशन होता है कि आपको सिर्फ इतना ही किलो वज़न अपने साथ लेकर जाना चाहिए, इतना वज़न आपका बैग का होना चाहिए, जितना भी उन्होंने मेंशन किया होता है, यानी कि अगर 7 kg उन्होंने जो हैंड बैग का वज़न किया हुआ तो आपने सिर्फ 7 kg का ही बैग लेकर जाना है अपने साथ सामान में। और इसी के साथ जो अगर सामान का वज़न उन्होंने 35 या 30 kg लिखा है तो आपने जैसे 35 या 30 kg ही लेकर जाना, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत भारी जुर्माना होगा दुबई एयरपोर्ट पर। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को बताता चलूँ, एक और अपडेट है जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि दुबई से वापस अपने घर आते हैं तो वो जो कार्टून में जो बहुत सारा सामान जो है पैक करके जो लेके आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपने सामान को जो अच्छी तरह से, यानी कि जो आपका कार्टून है उसको अच्छी तरह से जो है पैक कर लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो दुबई एयरपोर्ट पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो पेड सर्विस देते हैं और वो जो बड़ी अच्छी तरीके से जो आपका सामान जो वो पैक कर देते हैं, यानी कि जो कार्टून में सामान होता है उसको पैक कर देते हैं कार्टून के साथ ही। तो ऐसे जो है सामान को कोई दिक्कत भी नहीं होती, आसानी से जो आपके पास पहुंच जाता है। बाद में ऐसे ही जो सीन क्रिएट होता है दुबई एयरपोर्ट पर, जो दुबई एयरपोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती से कहा है कि जितना सामान मेंशन किया गया है उतना ही सामान जो आप लेकर अपनी कंट्री या फिर जो कंट्री से यहाँ पर जो ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों वो लोग जो दुबई आना चाहते हैं स्पेशली पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो वो लोग आज का जो क्या कहते हैं कि जो उनका कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है वो जो मोबाइल में दिए फिरते हैं वो जो दिखा देते हैं कि ये देखो जी हम जो है वैक्सीनेटेड हैं। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ऐसा करने से जो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो सकता है। आप लोगों को चाहिए कि आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आप हमेशा अपने पास रखें और फिर जो ट्रैवल करें। तो मिलते हैं हमारी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।